एईएस के बारे में बताएं कि ये जो है बच्चों के लिए कितना घातक है और इसके लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, एईएस जो है मुजफ्फरपुर के लिमिटेड एरिया में एपिडेमिक के रूप में आ रहा है, एक्यूट इनकेफलाइटिक सिंड्रोम। तो ये बहुत ज्यादा घातक इसलिए होता है कि एईएस के जो अवयव होते हैं वो ब्रेन में अटैक करते हैं। जो वायरस पार्टिकल रहा, जैपनीज इनकेफलाइटिस का भी वायरस रहा, या फिर अन्य जो वायरस या फिर बैक्टीरिया कोई भी में जो इनकेफलाइटिस कराते हैं, तो ब्रेन जी ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है जो शरीर के अन्य अंगों को भी रेगुलेटेड रखता है। और उसमें सूजन आने से क्या होती है कि उसका सूजन से चमकी आने लगती है, झटका आने लगता है, हाई फीवर होता है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, सांस में तकलीफ। जो ब्रेन रेगुलेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, उसके इफेक्ट के जी कारण से अन्य ऑर्गन्स पर जो ब्रेन के कारण से इफेक्ट कर रहे हैं वो परेशानी का सबब बनना शुरू हो जाता है और उसमें भी डेथ हो जाती है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि टाइमली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं और कन्वर्शन जो होते हैं उसे रोका जाए। एंटी कन्वर्सेंट की उपलब्धता हर पीएचसी पर हो, जिससे कि चमकी को रोका जाए। चमकी होने से क्या होता है, एग्जॉशन हो जाता है, थक जाता जी है, सेल्स में ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की कमी हो जाती है और फिर डेथ हो जाता है। तो उस कन्वर्शन को रोकना है, तुरंत रिहाइड्रेट करना है बच्चों को और तुरंत फीवर को कंट्रोल पे रखना है। तो बहुत हद तक मॉर्टिलिटी हम लोग इससे बचा पाते हैं एक्यूट इनकेफलाइटिस सिंड्रोम से भी।